और कोई हमारे दोस्त जो अलौ जी से बात करना चाहते हैं? जी हेलो सिद्धू भाजी। हेलो, हाय कपिल। हाय। हेलो सर। हाय सर, मेरा सवाल आपसे है सर, जैसा ये सभी लोग जानते हैं आपकी रियल इमेज बाबूजी वाली रही है, जैसा हर कोई जानता है, मुझे आपसे एक सवाल करना है। अगर आज के दौर में आपको जैसे दीपिका, प्रियंका, कैटरीना, अगर इन सब के साथ रोमांस करने को किया कहा जाए तो आप किसके साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? सर तीनों ही बोल दो। आप, मैं कहने वाला था सिद्धू भाई, वी ग्रेट मैन थिंक अलाइक सर। ऐसे सबसे पहले तो बड़ी हाइपोथेटिकल ये सिचुएशन है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वाकई जैसा कि सर ने कहा कि अगर ऐसा हो तो फोर हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म होनी चाहिए, है ना, और सिंगल हीरो होना चाहिए। वह कोड़ा खुल के रावण का ऑडिशन देने आए हो? चलिए शुक्रिया ब्रदर आपके सवाल पूछने के लिए, धन्यवाद जी। और कोई हमारे दोस्त? जी जामनू मोहतरमा। जामनू मोहतरमा। हेलो आलोक नाथ जी। हेलो कपिल सर। हेलो सिद्धू पाजी। हेलो, मेरा नाम चांदनी है एंड मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी उम्र के जो एक्टर्स हैं लाइक सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, आज भी इस उम्र में हीरोइंस के साथ रोमांस करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जो आप पहली बार ये डिसीजन लिया कि बाबूजी बनने का, तो वो सही है या कभी ये सब देख के आपको अफसोस हुआ है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया? नहीं, ऐसा कोई अफसोस नहीं है। एक बार क्या हुआ था कि एक फिल्म में मुझे हीरो लिया गया था और उस फिल्म में टीना मुनीम जी मेरी हीरोइन थी और बाकायदा हमारे अच्छे रोमांटिक सीन्स थे, गाने वाने थे, समुंदर में नहाना वाना था, बहुत अहेड ऑफ द टाइम्स करके वो फिल्म बन गई और चली नहीं। तो जब वो फिल्म चली नहीं तो फिर मेरा कैरियर भी एज अ हीरो वहाँ पे दफन हो गया। उसके बाद फिर उस तरह के कोई रोल मिले नहीं, लोगों ने सोचा कि ये तो जवान रोल कर नहीं सकता, और फिर उम्र भी थोड़ी सी हो रही थी तो बापू बना दिया। बापू नहीं, बड़ा भाई पहले बनाया, फिर अंकल बनाया, फिर अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाया, फिर चाचा बनाया, फिर धीरे धीरे बापू, फिर अब तो मैं दादा और नाना भी बनने लगा हूँ। लेकिन क्या हुआ, जब मुझे ये रियलाइजेशन कब हुई कि एक बार एक मद्रास के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक फिल्म मुझे ऑफर की, आज से 21 साल पहले की बात है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुझे जीतू जी का, आदरणीय जीतू जी के बाप का रोल करना है। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब एक मतलब खंजर घोप लो अंदर। मेरी उम्र उस वक्त शायद 30 या 32 साल की है, 33 साल की रही होगी, और जीतू जी के बाप का रोल, क्योंकि मैं करने लगा था बूढ़े रोल। तब मुझे एहसास हुआ कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि मुझे बूढ़े ही रोल मिलेंगे और करने चाहिए, नहीं करता तो फिर मैं आज यहाँ तक ना पहुँच पाता, क्योंकि घर बार छोड़ के, दिल्ली छोड़ के यहाँ स्ट्रगल करने आए थे, कुछ नहीं था, एकदम खाली हाथ आए थे, फिर धीरे धीरे काम मिलने लगा, तो अब ठीक है हीरो नहीं पाए, बन पाए, लेकिन ठीक है बहुत से अच्छे अच्छे हीरोज के, बहुत सी अच्छी अच्छी हीरोइंस के बाप तो बन पाए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। और ये आलोक जी ने बड़ी कीमती बात कही कि अगर आप कोई किरदार करते हैं और उस किरदार के लिए फेमस हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से एक्टर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, और इतनी छोटी उम्र में वैसा किरदार निभाना, या हमने अनुपम सर को देखा है, अनुपम खेर साहब को, या आपको देखा है, जैसे आपने बताया कि इतनी छोटी उम्र में अपने से कितनी बड़ी उम्र के हीरो के बाप का किरदार करना, ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। आप क्या नाम नहीं बताया आपने अपना? चांदनी। अरे हाँ, रंग भरे अजी। आपको पता था सिद्धू भाजी इसी कलर की पगड़ी पहन के आने वाले हैं, उसी हिसाब से आई आप। ओके सर, आप मतलब जगत बाबूजी है, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तुम जाए तुरंत शादी कराओ, मैं आऊंगा कन्यादान करने। ओके सर, पक्का प्रॉमिस। ओके, शुक्रिया चांदनी, ऐसे ही चमकते रहिएगा, धन्यवाद शो में आने के लिए।
कौन? मेरे नाथ, मेरे स्वामी। ए दादी तेरा दिमाग खराब है? वो आलोक नाथ है, प्रेमनाथ नहीं है, तू क्या चिपक रही उनसे? ऐसे नहीं करना। तो जब से मैंने प्यार किया है तब से उनकी ड्यूटी लगी है बाबूजी बनने की। तू ये खबरदार, जो उनसे रात को रिश्ता जोड़ा तो चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अरे मैं एक लौती औरत हूं जिसने इन्हें जवान देखा है। ये हंस भी रहे, इन्हें कबूल है। मजाक कर रही है। भला आपने हमें जवान कैसे देख लिया? हमारी स्टोरी ने तो जन्म लेते ही 30 साल की लीज ले ली। बाबूजी बना दिया बाबूजी। बचपन, जवानी, रागनी, MMS तीनों नहीं देख पाया। हट बाबू, अरे आपने सब देखा, मैं याद दिलाती हूँ आपको। दिला। आप हवेली राम थे ना? तभी तो हमारी प्यार की बुनियाद रखी गई थी, याद आया? ऐसा है मोहतरमा, उसमें मैं पहले से ही शादीशुदा था और हमारे कोई मोहब्बत के प्यार के सीन ही नहीं हुए। चल झूठे। हाँ? नामी गिरामी बाबूजी क्या बन गए, तो अपने इस प्यार को भूल गए? ये क्या है? मैं याद दिलाती हूँ आपको, मैंने प्यार किया, उसमें हम दोनों पति पत्नी थे। ए दादी क्यों झूठ बोल रही है? मैंने प्यार किया, मैंने भी देखी है, उसमें तो इनकी पत्नी का था ही नहीं रोल कोई। अच्छा पत्नी नहीं थी तो भाग्यश्री क्या लकी ड्रॉ में निकल गई थी? पुटो। समझाओ इसे। अरे मेरा रोल एडिट हो गया था। लेकिन रिश्ते एडिट नहीं होते। याद आया कुछ? और अगर अभी भी याद नहीं आ रहा तो एक बात बताइए, मेरी शक्ल भाग्यश्री से क्यों मिलती है? देख बिट्टू। दादी भगवान का खौफ कर, मुकरी जैसी तेरी शक्ल है, क्यों भाग्यश्री का नाम खराब कर रही है? मैं आज तेरी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैंने प्यार किया, मैं मेरी सीन एडिट हो गई थी, लेकिन मैं इनको याद दिलाती हूँ। आपको याद है पेड़ के पीछे हम दोनों ने रोमांटिक गाना गाया था? यहाँ तक कि आपने मेरे लिए रोमांटिक डायलॉग भी बोला था। मेरे नाथ, हमारा सीन एडिट हो गया तो क्या हुआ? आओ आज हम सरे आम को बता दे कि आपके और मेरे बीच में क्या है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। और कुछ नहीं तो कुछ गुनगुना लो मेरे लिए, मेरे नाथ। क्या हो गया आपको मेरे नाथ? ऐसे तो न थे आप। मैं क्या करूं, मैं ऐसा ना। मुझे पता है आपको क्या चाहिए। क्या? दुनिया को बांटते हो। क्या? आशीर्वाद। अब मेरी बारी। अब आया कुछ याद? अब और याद दिलाती हूँ। ए दादी छोड़, क्या कर रही है? बाबूजी को तंग कर रही है, पर बाबूजी के लिए जोरदार तालियां। बाबूजी हमें पता ही नहीं था आप इतना रोमांटिक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बाबूजी गिरी मेंटेन की है उन्होंने। वाह वाह, कमाल है। सिद्धू जी, वो जानता है आज तक घमंड नहीं किया है। सिद्धू जी, सरकार ने ऑथराइजेशन दे दी है क्या कि यदि आप कोर्ट में जाके शादी कराएं या फिर मेरे हाथ से कन्यादान करवाएं, दोनों ऑफिशियल है, लीगल है। बता। हमें पता है बाबूजी, कन्यादान के लिए आपको ऑल इंडिया परमिट दिया गया है, इसलिए तो हम भी आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। अरे लागू बस सदा सदा सदा। रुको!
अरे वाह, एक के बड़े फाटा फाटी। सुनो, स्लो मोशन में आ गया, स्लो मोशन में बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी में ट्विस्ट आया है। कौन है? बाबूजी, मैं इनकी पत्नी हूँ। माफ कीजिएगा बिट्टू बेटा। जी बाबूजी। बिट्टू बेटा, टीआरपी लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू तो दो दो पत्नियां ले आया। बाबूजी क्या करें, पहली वाली पूरी नहीं आई थी तो मैं दूसरी ले आया। अरे पर बेटा, तू मेरे संस्कार इतनी जल्दी भूल गया? अरे बाबूजी, आपके पास कौन सा आशीर्वाद की कमी है? कोई पुराना पड़ा होगा, दे दीजिए इसे।